विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ये तो उचित समय पर चल रही आई। स्नान के बाद पहनने वस्त्र सब स्वच्छ हो गया। जल अभिषेक के लिए जल यदि यहां रख देती तो कुछ गिर जाता, पुनः जल दूषित हो जाता, इसलिए मैं ढक के लाई हूं। लीजिए। क्या हुआ स्वामी, आप मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं, आप जाइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये कैसा आभास हो रहा है मुझे? ये आकर्षण उचित नहीं। प्रभु के प्रति समर्पित मेरे जीवन में किसी अन्य का स्थान कहाँ? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु का अभिषेक करते हुए मेरा मन भटक रहा है, ये मैं कदापि नहीं होने दे सकता। ओम नमः शिवाय। 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 नहीं, मुझे अपने ध्यान पर स्थिर रहना चाहिए। मुझे कुछ और युक्ति सोचनी होगी। इस प्रकार जरदकारु की कामना और व्यवहार दोनों दो दिशाओं की ओर बढ़ती रही। मस्तिष्क उन्हें वैवाहिक जीवन से शीघ्र निकलने को प्रोत्साहित कर रहा था, तो मन उन्हें मनसा के पवित्र प्रेम में उलझाता जा रहा था। क्या हुआ स्वामी, आप कुछ कहने वाले थे? कुछ त्रुटि तो नहीं हुई मुझसे? इन बूंदों को मैं स्वामी के मुख पर नहीं गिरने दूंगी। मनसा का प्रेम
उसका समर्पण अब ऋषिवर को हर पल प्रभावित कर रहा था। किंतु इसके पश्चात भी ऋषि जरदकारु विवाह के बंधन से शीघ्र निकलने को तत्पर थे। वे ऐसा हर कारण उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे थे जिसके आगे मनसा की सहन शक्ति भी जवाब देते। अद्भुत है देवी जरदकारु का सेवा भाव, अद्भुत है उनकी निष्ठा। सुंदर है ये। प्रेम तो वो अलौकिक शक्ति है जिसकी भाषा बधिर भी सुन सकते हैं और मूक भी बोल सकते हैं। हर जरदकारु तो ऋषि थे, उन्हें भी मनसा के मन की बातें भली भांति समझ में आती थी। ये मैं कैसा स्वप्न देख रहा था, किंतु वर्षा तो वास्तव में हो रही है। मुझे तनिक भी कष्ट नहीं होने देना चाहती हैं ये, और मैं इनका त्याग करने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वामी, प्रतीत हो रहा है तीव्र वर्षा आने वाली है, आप शीघ्र भीतर चलिए, आपकी शैया में भीतर ही लगा देती हूँ। आइए। रुक जाइए स्वामी, आपको इस प्रकार सोने का अभ्यास नहीं है, आप मेरी गोद में सो जाइए। संकोच मत कीजिए स्वामी, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं ना, इतना तो अधिकार है आप पर, आपकी निद्रा पूर्ण हो जाएगी, तनिक भी कष्ट नहीं होगा। किंतु आपको विश्वास है कि मेरी निद्रा भंग नहीं होगी? स्वामी, मैं वचन देती हूँ। एक बार फिर सोच लीजिए, यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरी सेवा करने के वचन में त्रुटि हो जाएगी। नहीं स्वामी, मुझसे कोई त्रुटि नहीं होगी। जब तक आपकी निद्रा पूर्ण नहीं होगी, मैं आपकी निद्रा भंग नहीं होने दूंगी। इतने समय बाद स्वामी ने मुझे अपने निकट तो आने दिया। मैं जितना दूर जाना चाहता हूं उतना ही इनके प्रति आकर्षित हो रहा हूं। निद्रा में भी मुझे इनके ही स्वप्न आ रहे हैं। अर्थात अब ऋषिवर के मन में भी दीदी के लिए स्नेह भाव जागृत हो रहा था। किंतु इसमें प्रसन्न होने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि अब ऋषिवर विवाह बंधन को भंग करने के लिए और भी अधिक तत्पर हो गए थे। फिर तो इस विवाह का कोई अर्थ ही नहीं था। दीदी मनसा ने यह त्याग इसलिए किया था ना कि उनकी संतान नागों की रक्षा का कारण बने। ऋषिवर को ये कहाँ पता था पुत्र, वो तो बस अपने तप पर स्थिर रहने के लिए पुत्री मनसा का त्याग करना चाहते थे। मैं सदा इसी प्रकार अपने सभी कर्तव्य निभाती रहूंगी स्वामी, आप कभी नहीं जा सकेंगे मुझे छोड़कर। अब तो ये भूल कर ही देंगी
यदि इन्होंने मुझे उठाया तो इनका वचन भंग होगा, और यदि सूर्यास्त से पहले नहीं उठाया तो भी उसे भूल ही माना जाएगा। सूर्य देवता तो अब दिन के अंत का संकेत दे रहे हैं। ये तो स्वामी के संध्या पूजन का समय है जिसकी तैयारी करनी है मुझे, और इन्हें उठाना भी तो होगा। किंतु ऐसा किया तो मेरा वचन भंग हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूं? अब जो भी ये करेंगे वो भूल ही होगी। स्वामी के लिए जीवन में उनकी भक्ति से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं, इसलिए अब मुझे इन्हें उठाना ही होगा। स्वामी जाग जाइए, आपकी संध्या पूजा का समय हो गया है। जब तक आपकी निद्रा पूर्ण नहीं होगी मैं आपकी निद्रा भंग नहीं होने दूंगी। ऐसा अवसर मुझे फिर नहीं मिलेगा। मेरी अधूरी निद्रा से जगाकर आपने अपना वचन भंग कर दिया। मेरी सेवा में ये त्रुटि हो गई आपसे, ये आपसे बहुत बड़ी भूल हुई है। किंतु स्वामी, आपकी संध्या पूजा छूट जाती ये तो सबसे बड़ी त्रुटि होती ना, इसीलिए मेरा ये कर्तव्य था आपको जगाना, इसीलिए मैंने। नहीं, कोई त्रुटि नहीं होती। मेरे तप के प्रभाव से संध्या वंदन से पहले सूर्यदेव अस्त ही नहीं होते, और यदि ऐसा होता भी तो मैं स्वयं उठ जाता। एक ऋषि की पत्नी होकर आप इतना भी नहीं समझती? मेरी निद्रा पूरी नहीं होने देकर ये बहुत बड़ी भूल की है आपने। इसलिए विवाह की तीसरी शर्त के अनुसार मैं अब इस विवाह बंधन से मुक्त और यहाँ से जाने के लिए स्वतंत्र हूँ। क्या आप मुझे सत्य में छोड़ के जा रहे हैं? क्या आपको वास्तव में लगता है ये मेरी भूल थी? क्यों, आपको विवाह की तीसरी शर्त स्मरण नहीं? आप मुझे रोक नहीं सकती। स्मरण है स्वामी, मैं आपको रोक नहीं रही थी। दीजिए। अद्भुत हैं देवी जरत्कारू, स्वयं अपने हाथों से मुझे विदा करने की तैयारी कर रही हैं। लीजिए स्वामी, निश्चिंत होकर प्रस्थान कीजिए।
मेरे इतने कठोर व्यवहार के उपरांत भी देवी जरदकारों ने मुझे सदा प्रेम और सम्मान ही दिया। मैं चलता चला जाऊंगा, आपसे दूर हो जाऊंगा। आप कुछ कहेंगी नहीं? कहना तो बहुत कुछ चाहती हूं स्वामी, किंतु कैसे कहूं? आपकी दी हुई शर्तों से बंधे जो हूं, दुख तो केवल इस बात का है कि मैं अपने वचन पर स्थिर नहीं रह सकी। दुर्भाग्यवश मैं भूल कर ही बैठी जो मेरे जीवन का उद्देश्य है, उसमें सफल होने में मैं असमर्थ हो जाऊंगी। यदि आपसे मुझे संतान प्राप्त होती तो भविष्य में नागों का उद्धार हो जाता। हमारा पुत्र समस्त नाग वंशों की रक्षा करता। हाँ स्वामी, मैं पत्नी धर्म निभाने में असफल रही। जिस पुत्र की मैंने कामना की थी उसे मैं प्राप्त नहीं कर सकी। इतना त्याग करने के बाद भी, इतना कष्ट सहने के बाद भी आप स्वयं को ही दोषी ठहरा रही हैं। आपने पत्नी धर्म भी निभाया और मैं आपके प्रति आकर्षित भी हुआ। जितना आपसे दूर जाने का प्रयास करता था उतना ही मन आपकी ओर खिंचा आ रहा था, और अब आपकी ये विनम्र उदारता मुझे आपकी ओर और भी आकर्षित कर रही है देवी। एक दूसरे के प्रति अपने स्नेह को स्वीकार करने पर भी दोनों को भली भांति ज्ञात था कि उनके जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए उन दोनों को एक दूसरे से अलग होना ही था। यही उनका भाग्य था। अपार स्नेह के बाद भी मुझे आपसे दूर तो जाना ही होगा, तभी तो मैं अपने जीवन का कर्तव्य पूरा कर सकूंगा। किंतु मैं आपको वचन देता हूं कि यहां से प्रस्थान करने के पूर्व मैं आपको इतना स्नेह दूंगा जिसके आप योग्य हैं। स्वामी, जितने भी दिन हम स्नेह भाव से और प्रेम भाव से बिताएंगे मेरे लिए उतना ही पर्याप्त होगा। दोनों इसी प्रकार सुखी सांसारिक और दाम्पत्य जीवन जीने लगे।
और कुछ ही समय बाद पुत्री मनसा की कोख संतान से भर गई, जिससे दोनों का परस्पर प्रेम और भी बढ़ गया। स्वामी, इस अवस्था में विश्राम करना ही आपका धर्म है और आपकी सेवा करना मेरा धर्म। और इसी प्रकार आनंद के वातावरण में दोनों के दिन बीतने लगे। फिर जब उनके संतान के जन्म का समय निकट आया तो ऋषि जरदकारु अपने विचारों में डूबे रहने लगे, जो पुत्री मनसा से भी छिपा नहीं था। स्वामी जल, कुछ दिनों से स्वामी इतने उदास क्यों हैं? स्वामी के दुख का कारण क्या है? क्या विचार है स्वामी, जो आपको इतना पीड़ा दे रहा है? समझ गए, आपके विदा लेने का समय आ गया है स्वामी, किंतु आप मेरे स्नेह बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे। सांसारिक जीवन में बनते चले जा रहे हैं, किंतु ये तो आपका उद्देश्य नहीं। यदि आपने अब विलंब किया तो पुत्र होने के पश्चात आप कदापि नहीं जा पाएंगे, ना मैं और ना आपकी संतान आपकी साधना के मध्य कभी नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि आपका तो वही उद्देश्य है, कठोर तप कर भगवान के निकट जाना और एक भक्त और भगवान के मध्य हम कभी नहीं आएंगे स्वामी। इसलिए अधिक विचार मत कीजिए स्वामी, जो आवश्यक है वो ही कीजिए, क्योंकि आपको आपके लक्ष्य से दूर कर मैं दोष की भागी नहीं हो सकती। विलंब ना कर आपको प्रस्थान करना चाहिए स्वामी। त्याग का सुफल तो सबको मिलता है माता, किंतु क्या दीदी मनसा के साथ भी ऐसा हुआ? या ऋषिवर उनकी निष्ठा और त्याग को अनदेखा कर उनसे दूर हो गए? देवी, मेरा हृदय एक दिया है, तो आप ही उसकी बाती हैं। मेरा सांसारिक जीवन आप ही से प्रकाशित है और आपको पाकर मैं धन्य हो गया। स्वामी, प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है, मेरे हृदय की बात बिना कुछ कहे आप समझ गए। मैं जानता हूँ कि आपके लिए कितना कठिन है, फिर भी अपने हृदय को कठोर कर आप मुझे मेरे कर्तव्य के लिए भेज रही हैं। आपने कितने त्याग किए हैं और एक बार फिर आप त्याग करने के लिए प्रस्तुत हैं। धन्य है आप देवी, धन्य है। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। आपसे दूर जाने के विचार से ही मेरा
हृदय फटासा जा रहा है। और फिर संतान पाकर तो आप दोनों का स्नेह मुझे कहीं भी नहीं जाने देगा। उचित ही कहा था आपने। अब मुझे साहस करना होगा, यहां से प्रस्थान करने के लिए अपने हृदय को मनाना होगा। रोइए मत देवी, ये हमारी संतान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। आप देखिएगा, बहुत तेजस्वी पुत्र होगा हमारा, आस्था का प्रतीक, धर्मशास्त्र, वेद पुराण उपनिषद में विश्वास रखेगा, इसलिए आप इसका नाम रखिएगा आस्तिक। आस्तिक, आस्तिक। आप ऐसे नहीं जा सकते। क्या मुझ पर एक उपकार करेंगे स्वामी? कहिए देवी, क्या चाहती हैं आप? आपको इस प्रकार जाते हुए देखना मेरे लिए अत्यंत कठिन हो जाएगा स्वामी। मेरा हृदय आपको रोकने पर विवश हो जाएगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि मैं जब आपके निकट ना रहूं, आप तब प्रस्थान कीजिए। आपका ये अंगवस्त्र? मेरा अंगवस्त्र? हाँ स्वामी, आप जब प्रस्थान करेंगे आप आपका अंगवस्त्र छोड़ के जाइएगा, मैं समझ जाऊंगी कि आप चले गए हैं, क्योंकि आपका ये अंगवस्त्र जब आप मुझसे दूर रहते थे ना स्वामी, तो आपकी निकटता का आभास देता था। आपके प्रस्थान करने के पश्चात आपके प्रतीक के रूप में यही मेरा आसरा बनेगा। देवी जरत्कारु, फिर जीवन अपनी साधारण गति पर आ गया, किंतु पुत्री मनसा के मन में एक चिंता, एक भय सदा रहता था। फिर एक दिन भोर में स्वामी दीजिए, स्वामी ये वस्त्र मैं सुखा देती हूँ, आपके कमंडल और जपमाला वहां रखे हैं। स्वामी का अंगवस्त्र वो कहाँ गया? स्वामी, स्वामी कहाँ गए? स्वामी का अंगवस्त्र यहाँ और उनका जपमाला और कमंडल नहीं, अर्थात आप जब प्रस्थान करेंगे
आप आपका अंग वस्त्र छोड़ के जाइएगा। मैं समझ जाऊंगी कि आप चले गए हैं। इतने त्याग के पश्चात भी दीदी मनसा को देवी का पद नहीं प्राप्त हुआ, ये तो अनुचित है। प्रेम को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करना अनिवार्य नहीं, वो तो मन की ऐसी भावना है जो स्वतः अभिव्यक्त हो जाती है।